carjini.pk, Pakistan's most trusted name for buying and selling of cars, bikes and auto parts. Welcome dear viewers, carjini.pk se ehtisham ek dafa phir aapke liye aur aaj ka episode jo hum kar rahe hain wo Honda Civic Reborn part 2 aap usko samajh le wo hai. Last time maine Civic Reborn ka review banaya tha जो कि बहुत ज़्यादा लाइक किया गया आप लोगों की तरफ से और मुझे बहुत खुशी हुई. आप लोगों ने बड़े अच्छे कमेंट्स भी दिए और बड़े अच्छे अच्छे क्वेश्चंस भी आप लोगों ने पूछे और बड़ी एनकरेजमेंट होती है जब आप लोग क्वेश्चंस पूछते हैं. तो आज का जो रिव्यू है ये एक ऐसी चीज़ के बारे में जो कि मैंने पर्सनली भी बहुत लेट फील की और मैंने चाहा कि मैं आप सब लोगों के साथ कम्युनिकेट करूँ इस चीज़ को. ये होंडा सिविक रिबॉर्न है आज आप देख रहे हैं गाड़ी और ये गाड़ी आप में से बहुत से लोगों के पास होगी और बहुत से भाइयों ने नई भी ले ली होगी गाड़ी, नई गाड़ियां भी ली होंगी. तो अब इस गाड़ी के अंदर बेसिकली एक ऐसा फीचर है जिसके बारे में आज तक किसी भी फोरम पे किसी भी जगह पे कोई बात नहीं हुई. मैंने पर्सनली उसको फील किया और देन आई डिसाइडेड टू मेक अ वीडियो अपॉन दिस. ठीक है, मैं आपको बताता हूँ इसमें ये देखें, थोड़ा आगे करें सर, ये देखें इस गाड़ी की जो जब ये गाड़ी 2006 में ये मॉडल लॉन्च किया था होंडा ने तो उस वक़्त इसके ये अपनी तर्ज का पहला मॉडल था होंडा सिविक के अंदर पर्टिकुलरली और एकॉर्ड वगैरह में भी. मतलब इस मॉडल को रिबॉर्न का नाम दिया गया था. रिबॉर्न का नाम जैसे मैंने पिछली वीडियो में बताया कि उसकी देने की कई वजूहत समझ आती हैं. एरोडायनामिक शेप है, इंटीरियर एक बहुत डिफरेंट इन्होंने क्रिएट किया, गाड़ी की लेंथ को बढ़ाया और ये सारे के सारे फीचर्स इसके अंदर. ठीक है, अब इस गाड़ी का जो एक बहुत ज़्यादा फीचर ऐसा है जो कि शायद अभी तक लोगों को पता नहीं, हम काफ़ी अनकंफर्टेबल हो जाते हैं उसकी वजह से. वो फीचर ये है कि आप ये सामने की तरफ देखें, ये पहला मॉडल है होंडा का जिसके अंदर आपको बोनट का किनारा नज़र नहीं आता. ठीक है ना, जिसके अंदर आपको बोनट का किनारा नज़र नहीं आता. ठीक है, जब आप ड्राइविंग सीट पर बैठे हैं और या फ्रंट सीट पर, आपको टर्न लेते हुए कुछ भी नज़र नहीं आता. आपकी जो विजन जो है, व्यू जो है आपका, वो इस कॉर्नर में आके जो है यहाँ पे आके ख़त्म हो जाता है, जो ये कॉर्नर्स बनते हैं यहाँ पे. अब इसमें दो मसले पैदा होना शुरू होते हैं. एक मसला तो ये कि जिस वक्त हम लोग कट लेते हैं, मतलब नैरो जगह पे कटिंग कर रहे होते हैं, तो हम लोग ये डर रहे होते हैं कि हमारा बम्पर जो है दूसरी गाड़ी में जाके लग जाएगा. ठीक है, एक तो ये बहुत बड़ा इशू है इन मॉडल्स में आना शुरू हुआ, लेकिन एक्चुअली ये इशू नहीं था, ये बहुत बड़ी ब्लेसिंग थी. बड़ी रिसर्च के बाद ये चीज़ें क्रिएट होती हैं. और दूसरा ये कि शायद कभी किसी ने क्वेश्चन नहीं किया कि होंडा ने आखिर जो ये वाली जो ट्रायंगुलर विंडो जो दी है इसका क्या पर्पज़ है. ठीक है, मैं आपको बताता हूँ. 2004 में मैं होंडा सिटी परचेज़ करने के लिए गया, जीरो मीटर मैंने ख़रीदी और उस वक्त होंडा की डीलरशिप पे मैंने उनसे पूछा कि जी आप मुझे बताएं कि इन कॉर्नर्स का जो है वो क्या मतलब है. ठीक है, उन्होंने मुझे कहा कि आप जिस वक्त टर्न करेंगे तो आपको अपने इस विंडो में से जो है राइट साइड पर जो चीज़ें हैं वो आपको नज़र आएंगी. ठीक है, तो आई वॉज जस्ट लाइक कन्विंस्ड विद दैट. लेकिन ओवर द ईयर्स मैंने उस गाड़ी को यूज़ किया और मुझे जो 2004 की होंडा सिटी थी, क्योंकि उसमें भी वो पहला मॉडल था जिसमें आपको बोनट का एज नज़र नहीं आता था, जिसने इस गाड़ी में मैंने भी आपको दिखाया कि बोनट का एज नज़र नहीं आ रहा. ठीक है, तो वो जो मॉडल था 2004 में आया था सिटी का और 2006 में होंडा ने पैसिफिक में ये बाद में दिया. तो उस वक्त जो है मैंने जब वो 2004 में जब सिटी ली तो मुझे बहुत दिक्कत होती थी. दिक्कत ये होती थी कि जिस वक्त मैं चौक के अंदर पहुँचा था, जैसे मैं भी आपको करके दिखाऊंगा, आगे टर्न के ऊपर जब मैं पहुँचता था तो जो राइट साइड से या लेफ़्ट साइड से आने वाली जो गाड़ी होती थी, जो राइट साइड से या लेफ़्ट साइड से जिसने आना है, ठीक है, वो देखने के लिए मैं उसको आगे होके यूँ देखता था. उसकी क्या वजह थी? उसकी वजह ये थी कि इससे पहले मैं टोयोटा क्रोला 95 मॉडल यूज़ करता रहा, उससे पहले मेहरान यूज़ करता रहा, उससे पहले 80s के अंदर मेरे वाले साहब के पास गाड़ी होती थी जो कि मैं वो भी चलाता रहा हूँ. टोयोटा क्रिसिडा यूज़ की मैंने 85 मॉडल की. मतलब ये सब गाड़ियाँ जो थी 80s और 90s तक जो चली आ रही थी, ये इनमें आपने नोट किया होगा कि आपको बोनट का टिप नज़र आता था आखिर वाला. ठीक है, उस टिप नज़र आने की दो तीन रीज़न्स थी. एक तो ये कि गाड़ियों का जो लेंथ थी वो इतनी ज़्यादा नहीं थी. आपने महसूस किया कि ओवर द ईयर्स जापान ने जो है वो गाड़ियों को थोड़ा सा लंबा किया. ठीक है, लंबा करने से ये हुआ है कि बेसिकली जो अगले व्हील्स हैं वो आगे हैं, तो जो सिटिंग कैबिन जो है वो सेंटर में आ जाता है, आपके ड्राइविंग के बिल्कुल करीब में टायर नहीं है, जिसकी वजह से एक बड़ी स्मूथ आपको फीलिंग आती है ड्राइव की. अदरवाइज़ बम्पी रोड्स के ऊपर बहुत झटके लगा करते थे. ठीक है ना, तो अब उन्होंने क्या किया कि ये पिलर्स जो हैं बेसिकली ये इस एरोडायनामिक शेप के अंदर जब इस तरह से इन्होंने इसको एक्सटेंड कर दिया एक दफ़ा, तो इसका एक पर्पज़ है. अब मैं जब देखा करता था टर्न लेते हुए तो यूँ आगे से होके विंडस्क्रीन में उधर से आती हुई गाड़ी को देखने की कोशिश करता था मैं,
तो मुझे नज़र नहीं आता था, ये पिलर जो था मेरा व्यू ब्लॉक किया करता था, तो मैं समझता था कि शायद कोई डिज़ाइन फॉल्ट है इस तरह की चीज़ है, लेकिन ऐसा नहीं है। मैं आपको दिखाता हूँ कि किस तरीके से अभी हम गाड़ी गियर में डालते हैं, आगे जो चौक है उसकी तरफ चलते हैं और आपको पता चलेगा कि हमने इसको यूज़ कैसे करना है। ये बेसिकली एक्स्ट्रा सेफ्टी फीचर्स क्रिएट हुए इन गाड़ियों के अंदर और जो कि अब चल रहे हैं गाड़ियों के अंदर। ये देखें, जब मैं इस चौक के अंदर पहुँचता हूँ, ये मैं यहाँ पर ब्रेक लगा लेता हूँ। ये देखें, अब आप ये देखें कि मैं अभी चौक में पहुँचा नहीं हूँ, चौक मेरे से अभी भी काफ़ी फासले पर है। ये देखें, जो आगे जो रोड गुजर रहा है वो जो थोड़ी सी यहाँ पे ऊपर रोड थोड़ी सी ऊपर हुई है वो काफ़ी दूर है यहाँ से, ठीक है, और मैं बहुत पीछे हूँ, मैं अभी बहुत पीछे हूँ। और मुझे जो इस साइड पे जो ट्रैफिक को देखना है, आने वाली ट्रैफिक को अपनी साइड पे, मैं अपनी इस विंडो में देखूंगा। इसका क्या मतलब है कि एक तो ये कि मैं बड़े रिलैक्स मोड में अपने इस तरफ बैठा रहूँगा, अपनी मतलब मुझे आगे नहीं होना पीछे नहीं होना, ठीक है, मुझे मैं अपने मोड में रहूँगा। दूसरी बात ये कि मुझे वहाँ से आने वाली ट्रैफिक जो है वो वक्त से काफ़ी पहले, इससे पहले कि मैं चौक के अंदर पहुँचूँ, मेरा व्यू जो है वो पहले से ही वहाँ पहुँच चुका है, ठीक है। थोड़ा सा मैं रिवर्स करता हूँ कि ये कितना ज़्यादा जो है वो मतलब कि वहाँ तक है। ये देखें, मैं थोड़ा सा गाड़ी को रिवर्स कर रहा हूँ और रिवर्स करता हूँ और रिवर्स करता हूँ। ये देखें, मुझे और रिवर्स कर लेते हैं इसको। ये देखें, तकरीबन ये इस जगह पर आके अगर ये सामने वाला पौधा बीच में ना हो तो मुझे ये सारा व्यू, यानी कि चौक में पहुंचने से कम अज़ कम, चौक में पहुंचने से कम अज़ कम 15 फुट से भी ज़्यादा जो जगह है उससे पहले मुझे व्यू मिल रहा है और मुझे आने वाली ट्रैफिक जो है वहाँ से वो नज़र आ रही है, ठीक है। तो ये एक इस किस्म के जो ये जो डिज़ाइन है ये इसकी साइंस है कि ये एक तो आपको ज़्यादा ब्रॉडर व्यू देती है और दूसरी रह गई बात इस बात की कि जब आपने कट लेना है तो बम्पर ने टच करना है। तो बात यह है कि मैं आपको ये बता देता हूँ कि बम्पर की टिप आपको, आपको बोनट की टिप आपको नज़र नहीं आ रही, ठीक है, आपको ऐसा लग रहा है कि आप दूसरी गाड़ी में टकरा जाएंगे अगर आप टर्न ले रहे हैं या पार्किंग आप कर रहे हैं। लेकिन जिस वक्त मैंने इस गाड़ी को चला के देखा है, आप लोगों ने भी फील किया होगा कि जहाँ पर विंड स्क्रीन ख़त्म हो रही है इस जगह पर, ये जहाँ वाइपर्स और आगे सारा आपको नज़र आ रहा है, जहाँ तक आपकी नज़र जा रही है, अगर यहाँ तक क्लियर है, आपकी गाड़ी दूसरी गाड़ी से टकराई नहीं है, तो इसका मतलब ये है कि क्लियर है, ठीक है। वो डिज़ाइन की इस किस्म का वो कैसे किया है वो एक अलग चीज़ है, डिबेट है, उसके बारे में मेरा नॉलेज नहीं है कि उन्होंने कैसे क्रिएट कर लिया। तो ये जो है ना, ये बेसिकली इसके डिज़ाइन साइंस है। तो इस पर कन्फ्यूज़ होने की ज़रूरत नहीं है आप लोगों को, पज़ल होने की ज़रूरत नहीं है इन चीज़ों के ऊपर। और ये था आज का मैसेज, और खुश रहें, अपना ख्याल रखें, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब ज़रूर करें, और कभी भी कोई गाड़ी बाय या सेल करनी हो या आपने गाड़ी पोस्ट करनी हो अपने हमारी वेबसाइट पे, तो नीचे सारे डिटेल्स दिए हुए आ रहे हैं स्क्रिप्ट में, उनको देख लीजिए, अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।